अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फेसबुक की आईडी को परमानेंटली तौर पर डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस सिंपल सी वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने फेसबुक की आईडी को परमानेंटली तौर पर कैसे डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, अपना फेसबुक का जो अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। हमारे सामने इस तरह का होम पेज शो करेगा। अब यहाँ पर हमें टॉप पे राइट हैंड साइड की तरफ प्रोफाइल आइकॉन का ऑप्शन शो करता है। आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन शो करता है जी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का। आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टॉप पे हमें सेटिंग्स का ऑप्शन शो करता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दें तो जैसे ही आप इस वाले पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें शो करता है जी अकाउंट सेंटर का ऑप्शन। आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आपने नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन शो करता है जी पर्सनल डिटेल्स का। आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दें तो यहाँ पर इस वाले पेज पर हमें सबसे नीचे ऑप्शन शो करता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का। आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपने सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन है डीएक्टिवेशन और डिलीशन का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दें तो यहाँ से आपने अपने प्रोफाइल पर अगेन क्लिक करके यहाँ पर इस वाले पेज पर आ जाना है। जैसे ही इस वाले पेज पर आ जाएं, यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस शो करते हैं कि भाई आपने अपने अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर आरजी तौर पर बंद करना है तो टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपने अपने अकाउंट को परमानेंटली तौर पर डिलीट करना है तो आप सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई आपके इस वाले अकाउंट पर जितने भी फेसबुक के पेजेस होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है जी कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ सर रीज़न पूछी जाएगी तो आप अपनी रीज़न का बयान कर सकते हैं, अगर नहीं तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर बताया जा रहा है जितनी भी पोस्ट होंगी, जितने भी आपके कॉमेंट्स लाइक्स होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना हो तो आप फर्दर उनको कर भी सकते हैं। जैसे ही इस फाइनल वाले स्टेप पर आ जाएं तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि भाई आप जिस वाले अपने अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं उस अकाउंट का यहाँ पर पासवर्ड ऐड करें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो आप इस तरह से बआसानी क्या कर सकते हैं, पासवर्ड ऐड करने के बाद अपना जो फेसबुक का अकाउंट है वो परमानेंटली तौर पर डिलीट कर सकते हैं। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।